हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर एकेडमी। हम कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर 7.6, क्वेश्चन नंबर 9 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स। देखिए ये हमको करना है इंटीग्रल बाय पार्ट्स से, ठीक है। इस इंटीग्रेशन में देखिए सबसे पहले हम आईलेट से यू एंड वी मानेंगे, ठीक है। तो आईलेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फर्स्ट नंबर देते हैं, यानी कि जो कॉस इनवर्स एक्स है ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारे लिए फर्स्ट और एक्स हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को रख देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे खंडशह समाकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, जो ये क्वेश्चन है इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे जो फर्स्ट है इसको हम ऐसे के ऐसे रख देंगे, तो i इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन करेंगे एक्स डी एक्स फिर ओवरऑल का डी एक्स, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया है, अब सिंपली इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए आई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन जो कॉस इनवर्स एक्स है इसका जो डेरिवेटिव है वो होता है हमारे पास माइनस के वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और ये हमारा डी एक्स, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए आई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और जो हमारा वन बाई टू है वो हम यहाँ पे बाहर लिख देते हैं इसको, ठीक है। हमने वन बाई टू को बाहर निकाल दिया है, अब इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए आई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमको न्यूमिनेटर में भी वन माइनस एक्स स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वन प्लस करेंगे और वन माइनस करेंगे, जिससे हमारा जो पहले था वैसे के वैसे रहेगा और हमारा सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे हम रूट का दे देते हैं। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हमारे पास ये माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाई टू, इससे भी मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो 1 है इसके नीचे हमने रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया है और ये डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर है वन और नीचे है हमारे पास इसकी पावर वन बाई टू, जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ऊपर भी पावर बच जाएगी वन बाई टू, तो ये हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सॉरी मैंने एक गलती कर दी है, ये माइनस है यहाँ पे माइनस नहीं जाएगा, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि हमने ये माइनस वन किया है, ठीक है। तो ये माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा हमारे पास प्लस वन बाई टू, क्योंकि हमारे पास जो माइनस है ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस रख दिया, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, अब इसकी जो वैल्यू है इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, अब देखिए इसका हमको इंटीग्रेशन। तो देखिए लास्ट जो इक्वेशन आया हमारा वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, अब हम इसमें जो ये इंटीग्रेशन हमारा बचा था इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये होता है हमारे पास वन बाई टू एक्स इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए आई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स है, तो
तो ये हो जाएगा x बाई टू, रूट के अंदर है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स x, और प्लस में ये हमारे पास है कॉस इनवर्स x, ठीक है। ये मैंने 1 बाई टू इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ये मैंने बाहर पहले से ही रखा हुआ है, ठीक है, कॉमन लेके, तो इसलिए प्लस c। अब देखिए आगे, i इक्वल टू कॉस इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1 बाई टू, ये हो जाएगा x बाई टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 बाई टू कॉस इनवर्स x है माइनस का, और प्लस का है कॉस इनवर्स x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास प्लस के 1 बाई टू कॉस इनवर्स x, ठीक है, प्लस c। अब देखिए आगे, i इक्वल टू कॉस इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1 बाई टू को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x बाई फोर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1 बाई फोर कॉस इनवर्स x प्लस c। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉस इनवर्स की एक पार्ट ये रहा और एक ये रहा, इसमें से हम 1 बाई फोर कॉस इनवर्स x कॉमन ले लेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन फोर कॉस इनवर्स x। इसको कॉमन लेने पर देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से भाग कर देता हूँ, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी देखिए यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर बचेगा क्योंकि 1 बाई फोर हो गया ना नीचे, तो ये बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा माइनस 1, ठीक है, और ये माइनस x बाई फोर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए ये हमारे पास कंप्लीट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।